माशाल्लाह जी, ये देखें अभी दूसरी साइड। बस बहुत है इतना। मैं आती थी टिक्कियां, मैंने उतनी जो है ना डाल दी है। अब ये जो है ना करने की, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। और चिकन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो व्लॉग भी मेरा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग, क्योंकि शहरी के टाइम हम उठे थे और शहरी वगैरह की है, वो मुकम्मल वीडियो जो है ना आपको हमारे दूसरे चैनल अकरम खान व्लॉग्स पर मिलेगी। और अभी अभी जो है ना मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है। मैंने कहा कि घर का काम काज जो जितना भी पड़ा है ना, तो व्लॉग भी बनाती रहूँगी। और आज जो है ना कपड़े धुलाई करने वाले थे, काफ़ी सारे कपड़े पड़े थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना पहले मशीन लगा लूँ, कपड़े धुलाई जो है वो होते रहेंगे, फिर उसके बाद घर का काम जो है सफाई वाला वो बाद में करती रहूँगी। तो इसलिए जैसे ही मैं उठी हूँ तो सबसे पहले मैंने मशीन लगाई है, और वहाँ पर मशीन में कपड़े धुलाई हो रहे हैं और कुछ जो है यहाँ रखे हुए हैं। और इब्राहिम जो है ना अभी अभी उठ के आए हैं, तो इब्राहिम चाय और पापे खा रहे हैं। इब्राहिम चाय, पापा खा रहे हो? आपको भूख लगी थी? अच्छा जी, खाओ। तो अभी इब्राहिम जो है ये है लस्सी, आप चाय पापा खा लो, बाद में लस्सी पीना। तो बाकी का घर का काम काज जो है ना वो वैसे का वैसा पड़ा है, जैसे टन की सफाई वगैरह, कमरों के अंदर सफाई दोनों में, बर्तन, सारा काम जो है ना पड़ा है। तो अभी शुरू करती हूँ सफाई वाला काम, और सफाई मुकम्मल करती हूँ। सफाई करके फिर जब तक कपड़े भी एक और धुलाई हो जाएगा। रात जो है ना मौसम कुछ इस तरह का बन गया था, मतलब बादल आ गए थे और हल्की हल्की सी बारिश भी आई थी। ये देखें अभी भी थोड़ा सहन जो है ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गीला है। तो आप देखें माशाल्लाह बादल भी चले गए बिल्कुल साफ, और जो है ना क्लियर मौसम है बिल्कुल साफ, तो बादल वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, धूप भी निकली हुई है। परिंदे जो है ना मैंने बाहर निकाल दिए हैं यहाँ पर, ये बड़े वाले, इस इन्होंने पानी वाली डबली जो है ना वो नीचे गिरा दी है, उसमें पानी वगैरह नहीं है, लेकिन ये जो है ना खुराक वाली, इसमें खुराक मुकम्मल है। और उसके बाद बाकी के परिंदे जो है ना सबके अंदर जो है ना खुराक मौजूद है, और ये छोटे छोटे जो हैं इसमें भी खुराक वगैरह रखी है, सब कुछ ओके है। तो एक कमरे के अंदर मैंने बिस्तर वगैरह जो है ना वो कमरे के अंदर से उठा लिए हैं, और अब जो है ना क्या करना है, सिर्फ झाड़ू लगाना है और कमरे की सफाई सेटिंग करनी है। तो अभी इसी कमरे की सफाई जो है ना वो करती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर दूसरे कमरे की सेटिंग सफाई करूँगी। झाड़ू पता नहीं मैं ले आई थी या नहीं ले आई थी, मेरे ख्याल में झाड़ू नहीं ले आई, झाड़ू वहाँ पर पड़ा था गेट के पास, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं झाड़ू ले आई हूँ, लेकिन लेकर नहीं आई, झाड़ू जो है ना वो वहीं पड़ा है। तो अभी देखती हूँ चल के पड़ा है कि नहीं पड़ा, नहीं यहाँ तो नहीं है झाड़ू, पता नहीं मैं कहाँ रखा है झाड़ू को। मुझे याद है पक्का पक्का मैंने झाड़ू उठाया था, देखती हूँ कि किचन में तो मैंने नहीं रखा था। झाड़ू लेकर आई थी, मैंने कहा कि झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ, तो फिर झाड़ू रख दिया था कहीं पर, और पता नहीं तो किस जगह पर मैंने झाड़ू रखा था, यहाँ किचन में भी नहीं है। मम्मा आपने लस्सी पीनी है? अच्छा मैं आपको देती हूँ लस्सी, नमक डाल के दूँ? थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, थोड़ा नमक, गाढ़ी है लस्सी, ठीक है? ये ठंडी है? नहीं ठंडी तो नहीं है, आप तो नहीं होगी, वो ना सुबह ठंडी थी, लेकिन सारी टाइम जब हम उठे थे ना उस टाइम दही रखी हुई थी फ्रिज में, तो उस टाइम ठंडी थी, लेकिन अब जो है ठंडी नहीं होगी, अब सही होगी। थोड़ा सा पानी मिक्स कर देती हूँ और गाढ़ी होगी, तो फिर बना के दे देती हूँ, आप पी लेना, ठीक है? चाय पापा खा लिया आपने? ये दो पापे आपने बचा के रखे हुए, ये छापर में डालो, वो पापे वाले छापर में,
उठा लो, दो नहीं है तीन है, बल्कि इस तीनों को वो शापर में डाल दो, फिर कल खा लेना। हाँ इसी शापर में ऐसे डाल के ये पापे जो है ना फिर मुझे दे दो, ये नीचे रखे रहेंगे तो ये आते हैं ना परिंदे वगैरह ये चीजें, तो ये मुझे दो, ये वो वहाँ सिंक में डाल देती हूँ और बाद में जो है ना ये बर्तन धोऊंगी तो फिर इनकी भी धुलाई कर लूँगी और आपको लस्सी बना दूँ, फिर जो है बाद में काम तो करती ही रहूँगी। ठीक है माशाल्लाह जी, घर का काम जो है ना सारे का सारा फैमिली मैंने ओके कर लिया है, कमरों की सफाई, सहन की सफाई, किचन की सफाई, सब कुछ जो है ना ये ओके हो चुका है। तो जैसे आपको दिखाया था कि मशीन जो है ना वो मैंने लगाई हुई थी, कपड़े धुलाई हो रहे थे, तो अब ये लास्ट पूर आखिरी पूर जो है ना कपड़ों का वो मैंने उसमें डाल दिया है और बाकी के बर्तन वगैरह सारा कुछ जो है ना वो मैंने ओके कर लिया है। और कपड़े जो है ना दो पूर मैंने निकाले हैं यहाँ से लेकर ना ऐसे मुकम्मल तना पर, थोड़ी सी जगह जो है ना तना की बची हुई है, बाकी के सारे कपड़े ये दो पोर मैंने निकाल के यहाँ पर डाल दिए हैं। मैंने कहा कि टाइमो टाइम खुश्क हो जाएंगे और जो है ना जैसा कि मौसम का कोई पता नहीं होता, कभी बादल आ जाते हैं अचानक से, कभी जो है ना बिल्कुल साफ मौसम होता है, तो इसलिए मैंने कहा कि धो के इनको छोड़ दूँगी, बाद में जो है ना फिर रोज़ा है ना फिर रेस्ट करती रहूँगी। तो बस एक लास्ट पोर है, जैसे ही वो लास्ट चाबी लगी हुई है ये जैसे ही ख़त्म होगी चाबी, तो ये कपड़े जो खड़े हैं मशीन में वो निकाल के फिर उनको धो के फिर उसको भी खुश्क होने के लिए छोड़ दूंगी। और बाकी सब काम जो है ना बिल्कुल ओके हो चुका है माशाल्लाह जी। यहाँ पर जो है ना आलू मैंने उबाइल कर लिए हैं, अच्छे तरीके से आलू उबाइल हो चुके हैं, तो अभी जो है ना इसको ना इस दवरी में आलू की कुटाई करती हूँ, कुटाई करने के बाद फिर इसकी बनाऊंगी टिक्कियाँ, क्योंकि जो है ना हाँ इफ्तारी कर लिए जो है ना ये टिक्कियाँ वगैरह बना रही हूँ मैं रोजे के लिए, तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना ये टिक्कियाँ बना के इसको रख दूंगी, फिर जो है ना उसके बाद फिर सालन बनाऊंगी, फिर रोटियां बनाएंगे, क्योंकि मगरब से पहले पहले रोजे इफ्तारी से पहले जो है ना ये सारा काम ओके हो जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा टाइमो टाइम जो है ये काम मैं मुकम्मल कर लूँ। तो अभी मैंने आलू जो है ना यहाँ पर डाले हुए हैं, तो अब इसको जो है ना कुटाई कर लेती हूँ, फिर इसके बाद इसको अच्छे तरीके से कुटाई करके फिर बनाऊंगी इसकी टिक्कियाँ। टिक्कियाँ बनाने के बाद ये काम मेरा मुकम्मल हो जाएगा, इसको रख दूंगी बना के, तो फिर बाद में वो मसाले वगैरह मैंने काट के रखे हुए हैं और फिर बनानी है टिक्कियाँ नहीं वो दूसरी सालन बनाना है, क्योंकि आज चिकन मंगवाया है, चिकन की रेसिपी भी हाँ बनाएंगे। वैसे आज आप टिक्कियाँ बना रही हैं इन आलू के साथ? हाँ आज आलू के साथ जो है ना ये टिक्कियाँ तैयार कर रही हूँ, क्योंकि रोजे है ना। हाँ जी रोजा तैयार भी करना है ना। हाँ मम्मा आज रोजा है तो इसलिए ना कल तो आपके चाचू अहमद के घर में तैयारी थी ना। हाँ जी तो वही किया था, तो आज जो है ना अपने घर में जो है ये मैंने कहा टिक्कियाँ वगैरह बना लूँ और फिर सालन भी होगा, रोटी भी टाइम टाइम बना लूंगी। हाँ जी तो फिर जी मम्मा जी ये आलू को आप बेबो वाले के घर है ये फ्रूट थे। हाँ जी तो जैसे आगे आगे काम होता है आप तमाम भाइयों के साथ शेयर करना। ये देखिए उनकी कुटाई कर रही है, फिर इसके अंदर जो है ना नमक मिर्ची वो ऐड करूंगी, फिर इसको मसाले वगैरह ऐड कर बना के टिक्कियाँ, फिर बाद में जो है ना इसको शुरू कर दूंगी बनाना। ठीक है माशाल्लाह जी अब बारी आ चुकी है इसमें नमक मिर्ची मसाले ऐड करने की, तो नमक जो है ना मैंने इसमें डाल दिया है, तो ये है थोड़ा सा जीरा ये भी इसमें डाल देती हूँ, और उसके बाद मिर्ची वाला डब्बा पता नहीं कहाँ है वो मिर्ची पड़ी कम थी, पता नहीं कितनी पड़ी है, वो मंगवाई भी नहीं है दूसरी। हाँ जी मेरे ख्याल में ये रखा है थोड़ी सी मिर्ची, और जो है ना सालन के लिए और मंगवानी पड़ेगी सालन के लिए, इतनी सही जो है मिर्ची बची है सालन के लिए और जो है मंगवानी पड़ेगी ऐसे। अभी मिर्ची नमक थोड़ा सा जीरा जो है ना वो मैंने डाल दिया है, और इस चीज़ें को जो है ना अभी मिक्स कर देती हूँ ऐसे करके ना,
अच्छे तरीके से। क्या बना रहे हैं? टिक्कियां, आलू की टिक्कियां। टिक्कियां खा ले टिक्कियां। अभी जी जैसे जैसे काम होता है आप तमाम बहन भाइयों को साथ शेयर करते हैं। मैं बोलता चलता फले टिक्कियां जो है ना मैंने बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये सारी के सारी कितनी है बना के रख दूंगी, फिर जो है ना बाद में कढ़ाई ऊपर चढ़ाऊंगी, क्योंकि ये टिक्कियों वाला काम जो है ना ये सारा कंप्लीट कर लूंगी। तो फिर मैं ये कैसे बना रही हूँ टिक्कियां? गोल गोल ऐसे ही होती है भाई जान, ऐसी होती है मिठू, ऐसी होती है सोने। तो अभी ये बना लूं, फिर बाकी का भी आपके साथ शेयर करूंगी कि ये बनाती कैसे हो और किस चीज के साथ बनाती हूँ। बेसन के साथ, अंडे के साथ, और किस चीज के साथ बनाती हूँ, मैदे के साथ। चलो जी, टिक्कियां जो है ना मैंने यहाँ पर रेडी कर ली है, ओके हो चुकी है। और अब जो है ना आग जला रही हूँ। आग जलाने वाला पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, आग जलाने वाला। एक मिनट देख, कहीं देखा कहीं रखा होगा आग जलाने वाला। अभी यहाँ पर मैंने चूल्हा खोल दिया है और वो मिल नहीं रहा, ढूंढ के फिर देख, फिर बाद में मिलते हैं। जो है ना जल चुकी है, तो अभी मैंने कहा कि इसमें जो है ना घी डाल दूं और बिस्मिल्लाह करती हूँ। बस बहुत है इतना, फिर जो है वो निकाल लूंगी ना। ऐसे तो नहीं है कि इतना डालूंगी तो फिर नहीं निकालूंगी, फिर निकाल तो लूंगी ना। हाँ जी, तो अभी ये घी जब तक हमारा गर्म होता है तब तक ये मैं यहाँ पर अंडे जो है ना ये मिक्स कर दूँ, क्योंकि ये अंडे वाली टिक्कियाँ बना रही हूँ रोजे के लिए। ये देखिए लगा लिया। आपकी अभी सुबह हुई है? माशाल्लाह। अंडे जो है वो अभी मिक्स करेगी अम्मी। हाँ, इसको मिक्स करूंगी। इब्राहिम वो कुली कर लो और ये जो है ना बाहर डालो, ये कचरा बाहर डालो, बाहर फेंक देना। हाँ जी, अब मिक्स करें इसको। इसमें ना अंडे का टुकड़ा है, खलड़ी है वो ऐसे नीचे रख के करें ऐसे कैमरा, बस इतना ठीक है। अभी जो अम्मी मिक्स कर रही है अंडे को। मैंने कहा जब तक घी गरम होता है ना तब तक ये जो है ना इसको मैं मिक्स कर दूं। जब तक घी गरम होता है तब तक अम्मी जो है वो उधर मिक्स कर देगी। मिक्स हो के मिक्स हो जाएगा ना तो फिर बनाना शुरू कर दूंगी। हाँ जी, फिर ये सिर्फ अभी बाकी काम तो ओके हो चुका है। देखे घी भी गर्म होने वाला है। हाँ, घी भी गर्म होने वाला है, तो फिर हम टिक्कियां बनाएंगे अपनी। जी जी, फिर टिक्कियां बनाएंगे। अभी घी जो है ना हमारा गरम हो चुका है, तो अब बारी आती है ये टिक्कियां ऐड करने की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक, दो, एक जो है ना जितने भी इस कलर कढ़ाई में आएंगी एक पूर वो डाल दूंगी, उसके बाद जो बचेंगी वो फिर अगली दफा। हाँ जी, क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी आ जाएंगी। हाँ जी, आ जाएंगी इसमें भी। बढ़िया कढ़ाई ना, 10-11 आ जाएंगी। माशाल्लाह जी, ये जितनी कढ़ाई में आती थी टिक्कियां मैंने उतनी जो है ना डाल दी है। अब ये जो है ना इसकी एक साइड जो है ना वो पक चुकी है, तो अभी दूसरी साइड जो है ना मैं ऐसे इसको ऊपर नीचे कर रही हूँ, क्योंकि एक साइड नीचे वाले पक चुके हैं और दूसरी साइड को फिर नीचे कर रही हूँ। माशाल्लाह जी, ये देखें अभी दूसरी साइड जो है ना मैंने पलट दी है और नीचे वाली ऊपर कर दिया साइड, और ऊपर वाली जो है ना वो नीचे आ गई है। तो अभी ये जो है ना अच्छे तरीके से पक जाए फिर जो है ना इसको निकाल लूँगी, और ये एक जो है ना गोला बनेगा जो मैं दोबारा से इसमें डालूंगी। पहले ये इसको बना लूँ, इसको बाहर निकाल दूंगी, तो फिर दूसरी मरतबा और ये थोड़ी सी बची रखी है ना टिक्कियाँ ये जो है ना बाद में डाल दूंगी। और मैंने कहा कि बेसन घर में रखा नहीं था, तो मैंने कहा टिक्कियाँ वगैरह बनानी है रोजे का, अफ्तारी का सामान जो है ना वो करना है ये चीज़ें,
तो क्यों ना ये अंडे मंगवा लें, आलू उबाल करके फिर आलू अंडे वाली टिक्कियाँ बना लें, क्योंकि रोज़ा अफ्तार जो है ना आसानी से हो जाएगा। वैसे भी ये मज़े की बनती हैं और जो भी खाता है तो पसंद करता है इस चीज़ को, तो मैंने कहा ये यही आज बना लेती। माशाल्लाह जी आने वाली टिक्कियां जो है ना ये तैयार हो चुकी हैं, तो अभी इसको ना बाहर निकाल रही हूँ। मैंने कहा इसको निकालू बाहर और फिर ये जो रखी है ये इसमें डालूंगी। तो ये अच्छे तरीके से पक चुकी है, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये जो है ना दोबारा मैंने इसको डालना स्टार्ट कर दिया, ये अच्छे तरीके से ऐसे लगा के ना अंडा, फिर इसको ऐसे छोड़ रही हूँ घी में, क्योंकि फिर ऊपर से टाइम भी काफ़ी हो चुका है, ऐसे की अजाने होने वाली हैं, फिर जो रेसिपी भी बनानी है, उसके बाद रोटियां भी बनानी है, फिर उसके बाद अफ्तारी का सामान वगैरह सारा ओके करना है, तो काफ़ी काम वगैरह जो है ना पड़ा है अभी, तो इसलिए मैंने कहा कि टाइम और टाइम जब शुरू करूँगी तो अफ्तारी टाइम सारा काम जो है ना मेरा ओके हो जाएगा। माशाल्लाह ये भी बन चुकी है और अब इसी को बाहर निकाल रही हूँ। नहीं नहीं झगड़ा नहीं करो, क्या हुआ? मैं उठा देता है। नहीं करो बेकार, चला जी। जैसे आपने देखा टिक्कियाँ जो है ना हमने बना के वो रख दी है, तो अभी ये मसाले वगैरह नमक मिर्चे घी सब कुछ जो है ना इकट्ठा कर रही हूँ और फिर बनाती हूँ चिकन, क्योंकि आज जो है ना चिकन की रेसिपी हम बनाएंगे। आपके भाई जो है ना चिकन लेकर आए थे तो वो फ्रिज में रखा हुआ है, मैंने कहा सबसे पहले जो पानी भर के रख दूँ और फिर चिकन की धुलाई करूँगी, धुलाई करने के बाद सारा सिस्टम ओके कर लूँगी, तो फिर बाद में बैठ जाऊँगी रेसिपी बनाना। तो इसलिए सामान वगैरह जितने भी हैं ना वो सारे के सारे इकट्ठे कर रही हूँ। अभी बारी आ चुकी है चिकन की धुलाई की, तो अब इसको हम धुलाई कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से ये साफ साफ जो है इसकी धुलाई हो जाएगी। फिर जो है ना जैसे मैंने आपको बताया है कि सामान सारा ओके करके फिर जो है ना बैठ जाऊंगी, फिर ये रेसिपी बनाती रहूंगी, नहीं तो फिर दोबारा एक चीज़ उठाओ फिर वो रखो, फिर दोबारा उठो फिर वो दूसरी ले आओ, तो ऐसे करके ना। और ऊपर से रोज़ा भी है, तो मैंने कहा कि क्यों ना ये सारा सामान सिस्टम ओके करके चिकन वगैरह की धुलाई करके फिर जो बैठ जाऊंगी तो रेसिपी जैसे ही तैयार होगी तो फिर तब तैयार करके ही उठूंगी। चिकन जो है ना धुलाई करके मैंने रख दिया है और बाकी के ये चीज़ें भी आ गई, लहसुन लहसुन की छिलाई नहीं की है और अदरक जो है थोड़ी सी उनकी छिलाई मैंने काट दी थी, तो लहसुन देखती हूँ अगर यहाँ पर पड़ा है तो वो उठा लेती हूँ, फिर उसकी जो है ना छिलाई करूँगी। इधर एक दो पड़ा है, थोड़ा सा इतना पड़ा है, काफ़ी है बहुत है, तो इसको छिलाई कर लेती हूँ ना। इसको जो है ना छान रही हूँ छानी के अंदर, क्योंकि ये अंडे जल गए हैं तो जले हुए अंडे की मैंने कहा ये स्मेल ना आए, तो इसलिए इसको जो है छान के निकाल रही हूँ, फिर इसमें दोबारा घी डाल के ना फिर जो है ना रेसिपी। माशाल्लाह जी घी जो है ना गर्म हो चुका था, तो इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिया है और उसके बाद जो है ना अब बारी आती है ये मसाले रखे हुए हैं, मैंने मसाले डालूँगी इसमें। माशाल्लाह ये देखें घी जो है काफ़ी गर्म हो चुका है, तो मसाले जो है ना मैंने कहा ये डाल दूँ, और सबसे पहले प्याज डालें, प्याज को अच्छे तरीके से घी में फ्राई कर लूँ और उसके बाद फिर बाकी के मसाले
बाद में डालूंगी, पहले प्याज जो है ना इसको फ्राई कर लो। और दूसरा जो प्लास्टिक वाला चमचा था जिसके साथ मैं बनाती थी, वो पिघल गया था घी में, तो उसको मैंने फेंक दिया। तो ये जो है ना लकड़ी वाली रखी थी, तो मैंने कहा अभी इसी से काम चलाएंगे, क्योंकि ये भी अच्छी होती है इस कढ़ाई में। तो अब इसी के साथ जो है ना मसाले वगैरह बुनाई कर ली हूँ। और मुकम्मल रेसिपी और जितना भी व्लॉग बन पाएगा अफ्तारी टाइम तक, सारे का सारा आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब बारी आती है इसमें टमाटर ऐड करने की, तो मैंने टमाटर की मिर्ची जो है ना वो इसमें डाल दी है। अभी इसकी भुनाई कर रही हूँ और थोड़ी देर जो है ना इसकी भुनाई करती हूँ। पानी वगैरह जो है टमाटर का वो खुश्क हो जाएगा, तो इसमें बाद में जो है ना ये नमक मसाला जो है ना ये बाद में इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दोबारा आ चुकी है मिर्ची ऐड करने की, तो सबसे पहले मैंने जो है ना इसमें मिर्ची ऐड कर दी है और अब इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। और उसके बाद ये है नमक, हल्दी वाला डिब्बा का होता है ये रखा है, तो हल्दी भी इसमें डालूंगी, एक चम्मच हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और ये जो है ना हो गया, और हल्दी को भी मिक्स कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक और खुश्क धनिया ये कूट के रखा हुआ है। और उसके बाद जैसे ये इसमें मतलब पानी डालने का टाइम आएगा, तो ये इसी का पेस्ट बना के मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये मसाले की ग्रेवी जो है ना इसके साथ बहुत ही अच्छी और मज़ेदार हो जाती है। अभी थोड़ी देर जो है इसको ऐसे भुनाई करती हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा पानी लगाऊँगी, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है ना वो अच्छी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक और धनिए का पेस्ट जो है ना मैंने इसमें मसाले में डाल दिया है। और जैसे इसमें पेस्ट डालते हैं तो माशाल्लाह ग्रेवी जो है ना अच्छी बन जाती है, लेकिन अभी भी अच्छी तरीके से नहीं बनी। ये थोड़ा ये पानी जब खुश्क होगा तो फिर जो है ना ग्रेवी जो बनेगी वो टाइट बनेगी। अभी इसको थोड़ा सा जो है ना इस एक बार छोड़ देती हूँ, और ये पानी जो डाला है ये खुश्क हो जाएगा, फिर जो है ना देखेंगे इसमें जो है ना फिर बाद में चिकन ऐड करना है या नहीं। चला जी, मसाला जो है ना भुनाई हो चुका है, तो अभी बारी आती है इसमें चिकन ऐड करने की। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, और चिकन जो है ना हमने इसमें डाल दिया है, और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, और नमक भी जो है वो भी साथ साथ डाल देती हूँ, क्योंकि ये अच्छे तरीके से नमक भी इसमें मिक्स हो जाएगा। रख दे यहाँ पर। नमक जो है मैंने इसमें डाल दिया है, और अभी चिकन को जो है ना इसमें मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। जी मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। नमाज पढ़ने जा रहे हो? हाँ। हाथ मुंह धो के जाना। ठीक है, वो अब जा रहा हूँ, उसके साथ जाऊंगा। हाथ मुंह धो के जाना, ठीक है? ये ना बच्चे देखते हैं ना कि बड़े नमाज पढ़ रहे हैं, तो छोटे भी इसके साथ मिलके पढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि जो काम बड़ों का होगा तो फिर छोटे भी वही करेंगे। माशाल्लाह नमाज सब को देखते हैं ना कि सब नमाज पढ़ रहे हैं, तो बोलते हैं हम भी नमाज पढ़ेंगे। और देखते हैं सबको कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो देख फिर कहते हैं हम भी कुरान पाक पढ़ेंगे। माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो अपने ऐसे का सवाब जो है ना वो कमा रहे हैं माह रमज़ान में। तो अभी ये जो है ना कनौर क्यूब रखा हुआ था, तो मैंने कहा एक जो है ना इसमें डाल दूँ। माशाल्लाह चिकन की भुनाई जो है ना वो अच्छे तरीके से हो चुकी है, और इसमें जो है ना मैंने कहा कि पानी डाल दो, अभी बारी आती है पानी डाल देंगे, क्योंकि ये सबक धनिया भी मैंने काट के रखा हुआ है, और पानी इसमें थोड़ा सा डालूंगी, और जैसे ही वो शोरबे का पानी पक जाएगा तो फिर ऊपर में ऊपर से ये धनिया डाल के फिर हमारी रेसिपी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। रहमान रहीम, अभी इसको मिक्स कर लो। Thank you.
माशाल्लाह जी रेसिपी जो है ना हमारी तैयार हो चुकी है, तो मैंने कहा बहन भाइयों को दिखा दूं, तो माशाल्लाह ये हमने ओके कर लिए। तो आटा भी हमारा गूंद चुका है, तो अभी शुरू करते हैं रोटियां बनाना, क्योंकि रोटियां बनाने में भी टाइम लगेगा और वैसे भी टाइम काफी हो चुका है, तो रोटियां बनाते बनाते ही रोजे की इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। तो फिर सामान वगैरह इकट्ठा करते, ये चीजें जो है ना सेटअप करते ना, तो टाइम हमें पूरा हो जाएगा। तो अभी मैं जो है ना ये नीचे उतार के चूल्हे पे रख दिया है, और आप जो है ना इसमें रोटी बनाते हैं। माशाल्लाह जी रोटियां जो है ना वो भी हमने तैयार कर लिया है अफ्तारी के लिए, और उसके बाद जो है ना ये पानी बना रही हूँ। मैंने कहा पानी भी बना के रख दूं, और टाइम जो है ना काफी हो चुका है, अजाने को थोड़ी मिनट रहते हैं, तो मैंने कहा कि ये पानी वगैरह बना लूं। और सामान जो है ना बाहर चटाई भी छा कर आई हूँ, तो वहीं पर सब चीजें जो है ना अफ्तारी की इकट्ठी करूंगी। तो मैंने कहा चीनी जो है ना यहाँ पर मिक्स करके ले जाऊं, फिर वहां जाके रख दूंगी। तो अभी ये पानी बना रही हूँ, फिर रोटियां सालन वगैरह फिर जो भी चीजें है ना वो सारी की सारी वहां रखूंगी, और जब तक टाइम भी हो जाएगा अफ्तारी का, फिर मील के साथ अफ्तारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा जो है ना जामे चीनी भी डाल दिया है, और सब रोजे हैं ऐसे बना के रख दिया है, पता नहीं कि मीठा सही है कम है, वो तो जब रोजा अफ्तार करेंगे तो फिर पता लगेगा कि पानी कैसा है, लेकिन अभी फिलहाल रख देती हूँ, क्योंकि सारे जितने भी बड़े हैं घर में सबको रोजा है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो पता चलता नहीं है कि मीठे का नमक का क्या चीज कैसी है क्या चीज कैसी है, तो सब ऐसे बना के रखती जा रही हूँ, फिर जैसे ही रोजा खोलेंगे तो फिर जो है ना खुद चेक करेंगे कि कैसा है। माशाल्लाह जी अफ्तारी का सारा सामान जो है ना हमने इकट्ठा कर लिया, जैसे आपने देखा था कि टिक्किया मैं बना रही थी, और चिकन बनाया है, रोटियां बनाई हैं, खजूरें रखी हैं, पानी रखा है, सब कुछ जो है ना ओके कर लिया है, और टाइम भी अभी होने वाला है, थोड़ी देर तक अजाने हो जाएंगी, तो मैंने कहा बहन भाइयों को दिखा दूँ कि अफ्तारी के लिए का और क्या सामान है। तो अभी इसको ऊपर से ठाप के रख देते हैं, जैसे ही अजान होगी फिर सब मिल के जो है ना अफ्तारी करेंगे। ए प्रेम नहीं करो,